इनका कहना है कि मिठाई के दुकान में काम करते थे वो महिला जो है वो वो भी काम करती थी मिठाई के दुकान में, डायरी में भी आई आया है, तो आप उसको पकड़ कर अपने कमरे में ले गए, रेप कर दिए। यस, व्हाट इज द केस? 376 क्या था? रोड से पकड़ के अपने रूम में, किराए के रूम में ले गए, वहाँ रेप रेप कर दिए। क्या है ये, कौन है, क्या करते हैं ये पिटिशनर जो है, क्या मटेरियल आया है? मटेरियल आया है तो नहीं, इनका माने चार्जशीट हो गया है? 304 बी के में भी अक्यूज थे। हम मिठाई के दुकान में काम करते थे, ये भी काम करते थे। हाँ हाँ, इनका कहना है कि मिठाई के दुकान में काम करते थे वो महिला जो है वो वो भी काम करती थी मिठाई के दुकान में, डायरी में भी आई आया है, तो आप उसको पकड़ कर अपने कमरे में ले गए, रेप कर दिए, यही एलिगेशन है। आपको भी यही मिला, गवाह लोग यही कुछ बोला है, यही बोला है। महिला ने क्या बोला, महिला का स्टेटमेंट है 164 हमको दिखा दीजिए। 133 आराम से हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं। उससे पहले एक और FIR हुआ था मारपीट का, नहीं मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? मेडिकल रिपोर्ट 12-20 में, देखें अगर मेडिकल अलग से है तो दे दीजिए। 12-20 में और सप्लीमेंट्री मेडिकल 12-13 में सप्लीमेंट्री केस डायरी, सप्लीमेंट्री आप दिए हैं हमको, उसी में है। हाँ हाँ, 12-13 रेप के बारे में फाइंडिंग नहीं है डॉक्टर का, इंक्लूड किया गया है सर, वहाँ कोर्ट में चला गया, चार्जशीट हुआ था। नहीं हमको तो नजर नहीं आ रहा है कहाँ, उसमें लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है क्या नोट में, नीचे माइनर चेक करें नोट, ओरिजिनल पैथोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रिपोर्ट इज अटैच्ड, वो फोटोकॉपी है क्या? हर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट, the SHO and the IO of the case have appeared with the case records. The allegation against the petitioner is of committing rape with the victim informant. During investigation, the police has found the case to be true against the petitioner on the basis of the evidence brought on record, including the detailed statement of the victim recorded under section 164 CRPC, in which she has stated as to how the petitioner committed rape upon her. Stop. The defense of the petitioner is that the petitioner and the victim were working in a sweet shop and therefore the victim had a sexual relationship with the petitioner has not been supported by in evidence by witnesses during investigation, examined during the investigation. At this stage, the statement of the victim, which is a detailed one, is sufficient to reject the prayer for bail of the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited.